ये टॉपिक जो है आज का, ये काफी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ WCF या फिर WCR। सबसे पहले तो हम इसका मतलब समझते हैं कि WCF या WCR है क्या। ये होता है बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड। इसका मतलब क्या हुआ? कई बिजनेसेस बेटा ऐसे होते हैं जिनके अंदर एम्प्लॉयज को डैमेज होने का कुछ ना कुछ चांसेस होते हैं। ऐसे जो बिजनेसेस होते हैं वो अपने पास इस तरीके के लिए एक रिजर्व या फंड बना के पहले से चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर में अगर कोई लॉस होना है तो हम उसके लिए अभी से प्रिपेयर होना प्रेफर करते हैं, तो हम अभी से उसके लिए फंड बना लेते हैं। पुरानी हिंदी मूवीज में भी ऐसा दिखाया जाता था कि से एक मूवी थी, शायद लाडला नाम था मूवी का, अगर आपने कभी देखी हो, अनिल कपूर की। उसके अंदर एक खान चाचा होते हैं, उनका हाथ मशीन के अंदर आ गया, तो वो जो है मैनेजमेंट से लड़ता है कि जी आप इनको पैसे दो। ऐसा होता है, जितने भी बिजनेसेस होते हैं जिनके अंदर थोड़ा डैमेज होने के चांसेस होते हैं अपने एम्प्लॉयज को, वो लोग इस तरीके के फंड या रिजर्व पहले से मेंटेन करके चलते हैं। और एक चीज हम लोगों को हमेशा याद रखनी है कि एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है एडमिशन हो रहा हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, या फिर वो अपनी रेशो चेंज कर रहे हैं, उन सिनारियोज में जितने भी रिजर्व्स होते हैं, ऑल द रिजर्व्स एंड फंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। और ये हमने याद रखना है कि एक्सेप्ट प्रोविडेंट फंड, पीएफ जो है, पीएफ को छोड़ के जितने भी फंड्स होंगे या रिजर्व्स होंगे वो सभी सारे पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जो भी ओल्ड पार्टनर्स थे। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। ये हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ WCF के ऊपर या WCR के ऊपर। एक कॉमन क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, से हमारे पास बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में WCF हमें गिवन है 10,000 रुपए का। आप एक बारी बेटा यहां तक नोट कर लो, देन फिर मैं आगे लिखवाता हूं। कर लिया सर। ठीक है, चार केसेस हैं इस पे। फर्स्ट केस है नो क्लेम या फिर नो एडजस्टमेंट का। आपको इसके बाद इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, या फिर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि कोई भी WCF के ऊपर क्लेम नहीं आया। हम क्या करेंगे इस फंड का? बताओ। कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज डाल देंगे नई वाली बैलेंस शीट में। नहीं बेटा, अभी मैंने ये चीज ऊपर लिखवाई है कि कोई भी फंड हो या रिजर्व हो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स में। इसे अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। सपोज ओल्ड पार्टनर्स दो हैं जिनका नाम है एक्स और वाई और उनकी रेशो इक्वल है, तो ये फंड जो है, आपको रूल्स याद है जर्नल के? असेट्स का क्या रूल होता है बेटा?
बढ़ती है तो डेबिट और कम होती है तो क्रेडिट. ठीक है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट. तो जब आप ये WCF डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स के बीच में, तो आपकी ये लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो रही है. सो WCF या WCR अकाउंट हो जाएगा डेबिट कितने रुपए से? 10,000 से. ये पैसा दिया जाएगा पार्टनर्स को उनकी कैपिटल में ऐड करके. पार्टनर की कैपिटल होती है लायबिलिटी, वो बढ़ेंगी तो वो हो जाएंगी क्रेडिट. तो ये अमाउंट चला जाएगा एक्स और वाई के पास इक्वली, का मतलब हो गया 5,000 और 5,000. अगर आपको याद हो, जैसे जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं उसमें भी क्या करते हैं, जो रिजर्व्स दिए होते हैं उन्हें पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख दिया जाता है. तो जब आप इसकी पोस्टिंग करोगे वो वही हो जाएगी. पार्टनर्स कैपिटल जो है, सपोज एक्स वाई थे और जेड एडमिट हो रहा है, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, बाय WCF या बाय WCR 5,000 और 5,000. सो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आ जाएगा अमाउंट बाय WCF का. कोई डाउट बेटा इसके अंदर? नो सर. केस नंबर टू, क्लेम आया है WCR पे कितने रुपए का? 10,000 रुपए का. मतलब जितने का फंड बनाया था उतने रुपए का ही क्लेम आ गया. अब आपके पास एडजस्टमेंट में लिखा हुआ आएगा यहाँ पे दैट देयर वॉज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म या अगेंस्ट WCR फॉर रुपीज 10,000. 10,000 रुपए का क्लेम आ गया. सबसे पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो WCF अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा. WCF अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा कितने रुपए से? 10,000 रुपए से. अब क्या चीज आई है कि इसके ऊपर एक क्लेम आ गया, दैट मींस हमारे लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी कि हमने क्लेम देना है अगेंस्ट WCF कितने रुपए का? 10,000 का. बेसिकली इसे सॉल्यूशन के अंदर बैलेंस शीट जो नई बनेगी हमारे पास, लायबिलिटी में हम दिखाएंगे क्लेम अगेंस्ट WCF 10,000. समझ आया क्या हुआ इसके अंदर? पर सर वो तो इसमें माइनस होना चाहिए ना. अब यही वाली चीज समझने वाली है बेटा. WCF एक फंड है, क्लेम अगेंस्ट WCF एक लायबिलिटी है स्ट्रिक्टली, कि ये आपको देना है पैसा. सो एक लायबिलिटी थी WCF, वो कम हो गई और एक नई लायबिलिटी आ गई क्लेम अगेंस्ट WCF, वो बढ़ गई. लायबिलिटी कम हुई डेबिट, नई लायबिलिटी बढ़ गई क्रेडिट. ये टर्म अलग है इस टर्म से, ये ध्यान रखना. ठीक है? ओके सर. अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप अपना डाउट क्लैरिफाई कर सकते हो. आपका डाउट बेसिकली ये था कि हमने ये माइनस क्यों नहीं किया. ये माइनस हो गया. देखो नई बैलेंस शीट के अंदर WCF लिखा है कहीं पे? नहीं. हाँ, तो वो खत्म हो गई लायबिलिटी, नई लायबिलिटी आ गई जिसका नाम है क्लेम अगेंस्ट WCF. जैसे हम रिजर्व्स में से माइनस करते थे जब प्रोविजन में, जब डेटर्स होते थे तो उसमें उसमें से माइनस करते थे, इसमें ऐसे नहीं होगा. नहीं, इसमें से ऐसे नहीं करके दिखाना. अगर कम क्लेम हुआ तो बचा हुआ WCF दिखाएंगे. आप बताओ उसका क्या करना चाहिए हमें. एडजस्टमेंट में गिवन है देयर वाज अ क्लेम अगेंस्ट WCR फॉर रुपीज 6,000. एक सेकंड दो बेटा, एक मिनट चाहिए मुझे, एक मिनट. सॉरी,
यस बेटा, आपका क्या कह रहे थे हम लोग? सर, इस सेकंड केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ नहीं होगा? नहीं बेटा, इसके अंदर एक सिंपल सी चीज देखो, आपने सबसे पहले जब आपके पास, आप सपोज एक ओनर हो, आपके पास कोई आ जाएगा, जी मेरा हार्ट टूट गया, मेरा पैर टूट गया, यहाँ पे काम करते हुए, 10,000 रुपए का क्लेम दे दो, आप दे दोगे उसे पैसे उसी टाइम? हाँ, अगर बना हुआ होगा फंड तो। आपके पास फंड बना हुआ है, बट फिर भी हम क्यों दे भाई? हो सकता है बाहर से कहीं एक्सीडेंट करवा के आया हो और यहाँ पे आके हमसे पैसे निकलवा रहा है, नहीं? हाँ, तो हम क्या करते हैं, हम तहकीकात करते हैं। क्या करते हैं? तहकीकात। हाँ, हम बेसिकली देखते हैं कि क्या उसका जो हार्ट टूटा है या पैर टूटा है, जो भी उसे डैमेज हुआ है, वो ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स हुआ है, वो प्रेजेंट था उस दिन और ऑर्गेनाइजेशन में ही हुआ है या नहीं हुआ। सो हम कहते हैं ठीक है, हम आपको पैसा दे देंगे, बट अभी नहीं देंगे, हम पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सो ये अमाउंट हम अपने लिए एक नए नाम से, क्लेम अगेंस्ट WCF के नाम से लाइबिलिटी बना देते हैं कि शायद ये पैसा अभी हमने फ्यूचर में जाके इस आदमी को देना है। अब बात आती है ये रिवैल्यूएशन में क्यों नहीं आया, क्यों? क्योंकि इसके लिए ही आपने फंड बनाया हुआ था ना। हाँ, तो फंड यूटिलाइज हो गया पूरा का पूरा एज इट इज। ठीक है, ठीक है। सपोज अब क्लेम आता है 6,000 रुपए का, इस सिनारियो में क्या किया जाए? एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि WCF अकाउंट तो डेबिट होगा पूरे अमाउंट से, 10,000 रुपए से। अब क्लेम कितने रुपए का है हमारे पास? 6,000, तो ये चला जाएगा लाइबिलिटी में। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। बाकी रह गए 4,000 रुपए, उनका क्या करें? कुछ भी नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा, फंड को खत्म करना होता है ना जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो क्रेडिट कर देंगे किसको? बचे हुए 4,000 को। कहाँ पे क्रेडिट करें, क्या करें उनका? देखो, हमने 10,000 का फंड बनाया था, 6,000 के लिए क्लेम आ गया। वैल्यूएशन में क्रेडिट साइड नहीं, जो फंड हमने बनाया हो और जिसके ऊपर कोई क्लेम ना आया हो, उसका क्या किया जाता है? केस वन देख। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हाँ, तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पार्टनर्स में, यानी के एक्स को दे देंगे और वाई को दे दिया जाएगा 2,000 ईच। फेयर हुआ कैसे? हमने सीधी सी बात है, देखो अगर एक भी क्लेम ना आता, सारा उन्हें देना था। अब जितने का क्लेम आ गया वो क्लेम लायबिलिटी में डाल दो और बाकी सारा का सारा जो है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कोई डाउट बेटा? नो सर। अब नेक्स्ट केस ऑब्वियस था कि लास्ट में क्लेम ज्यादा का ही आएगा, सो इस केस में भी WCF तो बेटा डेबिट होगा 10,000 रुपए से। अब क्या करें, क्लेम आया 12,000 रुपए का, तो क्लेम अगेंस्ट WCF क्रेडिट हो जाएगा 12,000 रुपए, 2,000 रुपए डेबिट होंगे, किस नाम से डेबिट करें? बताओ। वर्कमैन कंपनसेशन। नहीं, रीवैल्यूएशन। लॉस ही तो हुआ है ना, देखा जाए तो 2,000 रुपए हमें, हमारे ऊपर क्लेम आया 12,000 का, फंड पड़ा था 10 का, तो जो आप सेकंड केस में कह रहे थे सर रीवैल्यूएशन में जाना चाहिए, तो यहाँ पे 2,000 रुपए जाएगा जो एक्स्ट्रा क्लेम आया आपके पास। बेसिकली आपके पास कोई आदमी आया, कह रहे जी मेरे को 12,000 रुपए दो, मैं आपसे 12,000 रुपए लेता हूँ। हमने ठीक है दे देंगे, पहले हम थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। अब 12 में से 10 का तो मेरे पास ऑलरेडी फंड बना हुआ है, जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ है वही तो जाएगा रिवैल्यूएशन में। ओके,
ओके सर. तो ये आपका टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ WCF. बुक में अगर कोई इलस्ट्रेशन गिवन है WCF से रिलेटेड तो वो आप देख सकते हो.